जस्ट अ मोमेंट। हाँ ओके चलो, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट। चलो ओके, रेकॉर्डिंग स्टार्ट झालंय, नाउ वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। माझा व्हॉइस सगळ्यांपर्यंत येतोय, एम आय क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस यस चलो ग्रेट ओके। यस चलो ओके, क्वेश्चन सगळ्यांना विजिबल आहे? जस्ट ओके। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट? जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। वेट अ मिनट स्टूडेंट, ओके। आता स्टूडेंट जो क्वेश्चन तुमच्या समोर आहे बघा, ओके नाउ क्वेश्चन इज व्हॉट? सी आता याच्यामध्ये काय करायचं लक्षात घ्या, दिस इज कॉल्ड व्हॉट? टॉपिक नेम इज व्हॉट? मॅस इनइक्वालिटीज, वेअर वी हॅव क्वांटिटी वन। In one question, there are two quantity, quantity one and quantity two. Quantity one and quantity two. We have to solve quantity one and aplyala quantity one cha answer find karayche. Then we have to solve quantity two as well. We have to find quantity two answer. And then aplyala compare karayche whether quantity one cha answer mote hai quantity two. So try karaye, try to find.
Okay, now we'll try to solve this. See what we have student here. I'll just explain you first quantity one. Upon bogia, see how to solve such questions. See, upon already theory wale madhe bagitlele chahe. Chalo, we back now. Okay, let me do. Yes. See, question says what? Hope this visible to everyone. Yes. See, यहाँ पर a 300 meter long train crosses a 150 meter long tunnel. तो आपको बताए total distance क्या होगा? What is the total distance going to be? 300 plus 150, which is 450. आपको fast करने को आना चाहिए, क्योंकि ये सारे topics हमने आपको पढ़ाए हुए हैं. 300 meter, 150, 450. At the speed of what? लेकिन ये meter में है. और आपको स्पीड दिया है स्टूडेंट्स, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 108 किलोमीटर पर आवर है. तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर किलोमीटर पर आवर का अगर आपको मीटर पर सेकंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18, तो ये 18 6 18 1 18 6 6 5 30 मीटर पर सेकंड ये हो गया. हमें फाइंड टाइम टेकन, तो व्हाट इज टाइम फॉर्मूला, व्हाट इज टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. व्हाट इज डिस्टेंस गोइंग टू बी स्टूडेंट्स, 450 डिवाइड बाय 3, मतलब 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 15 सेकेंड्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो यहां से आपको क्वांटिटी वन का आंसर मिला स्टूडेंट, 15 सेकेंड्स. क्लियर? Yes. Now what is quantity 2? Train A of length 360 meter crosses a pole in 18 seconds. So देखो, train A का length 360 meter है और वो एक पोल को 18 सेकेंड में क्रॉस कर रही, तो मुझे अगर मुझे डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो मुझे ट्रेन A का स्पीड पता चल जाएगा. यस और नो? तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 360, विच इज इन मीटर, टाइम ऑल्सो इन सेकेंड, सो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. वॉट इज द टाइम टेकन बाई ट्रेन बी ऑफ लेंथ 340 मीटर? तो ट्रेन बी का लेंथ ऑफ द ट्रेन बी दिया है, विच इज नथिंग बट 340 मीटर. Coming from opposite direction, running at the speed of 30 meter per second. आपको length of the train AB पता है, which is 360 meter. Opposite में आ रही है, मतलब आपको पता है time निकालना है, तो opposite का दो distance है, दोनों को add करो, 360 and 340 कितना होगा, 700. Divide by time क्या होगा students? ये अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है, एक 20 मीटर पर सेकेंड है और दूसरा स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, दोनों को ऐड किया जाएगा, बिकॉज स्पीड किस पे डिपेंड होता है, डायरेक्शन पे. इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट, तो दोनों का ऐड होगा, 20 प्लस 30 50 होगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर टाइम कितना होगा, 14 सेकेंड्स. क्लियर एवरीवन? नाउ क्वांटिटी टू 14 सेकेंड्स आया, तो मुझे बताइए आपका आंसर क्या होगा, 15 बढ़ा या 14 बढ़ा है?
ऑब्विसली 15 सेकंड इज ग्रेटर, तो आंसर इज ए, क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू. क्लियर एवरीवन दिस? चलो ओके, क्लियर दिस? तो दिस दी सी, ये मेंस लेवल क्वेश्चन है जहां पर आपको मतलब किसी पांच टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू को दोनों को सॉल्व करना होगा और यू हैव टू जस्ट कंपेयर कि किसका वैल्यू ग्रेटर है. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर टू, ट्राई करो. पी माइनस एट मेन, आपने लिख लिया ये आंसर सोल्यूशन लिख लिया आपने. मैंने आपको इसका ये भी दे दिया है स्टूडेंट, क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ये शीट आपको दे दिया है ऑलरेडी. P माइनस एट मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 2Q डेज एंड P प्लस 10 कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन Q डेज. अब स्टूडेंट्स यहां पर देखो कैसे होता है ना, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि ये आपको सॉल्व नहीं करना है बिकॉज यहां पर आपको पी का वैल्यू पता नहीं है एज वेल एज आपको यहां पर क्यू का वैल्यू पता नहीं है. तो अगर एक ही इक्वेशन में अगर दो वैल्यूज अगर अननोन होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, रिलेशनशिप कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड. राइट डाउन दिस. See what is third question? Odin divided rupees 1301 between his two sons Thor and Loki. He divided so that the amount received by Thor after 7 years is equal to the amount after 9 years at the rate of 4% per annum compound annually. See, मतलब ये आपको compounded annually बोला है, right? तो particularly for that आप को स्टूडेंट उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज फॉर्मूला, आई जस्ट राइट थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं. व्हाट इज फॉर्मूला कंपाउंड का, या यू शुड नो व्हाट इज अमाउंट फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू टी. क्लियर एवरीवन, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. ओके अब देखो ऑडिन क्या करता है, 1301 रुपए अमाउंट है जिसमें से डिवाइड इन टू सन्स, यहां पर सन एक थोर है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यहां पर एक लॉकी है. थोर को वो दे रहा है सपोज 1300 में से एक रुपया, तो लॉकी के पास कितना बचेगा स्टूडेंट, 1301 में से माइनस एक्स चला जाएगा लॉकी के पास. क्लियर एवरीवन, अगर 1301 में से अगर 100 रुपया थोर को दिया तो लॉकी को कितना रहेगा, 1301 में से माइनस 100 रुपया रहेगा. क्लियर एवरीवन दिस. तो आप ये अमाउंट को आप लोग खाली सॉल्व करो, क्या फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कितने परसेंट पे है, 4%, तो 4 अपॉन 100, ये 7 इयर्स के लिए है, विच इज इक्वल टू 1301 माइनस एक्स. और ये स्टूडेंट्स है 9 इयर्स के लिए, देखो लिखा है यहां पर 9 इयर्स, और ये दोनों इक्वल अमाउंट है. क्लियर दिस.
सो व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट, एक्स, ये एक्स, ये एक्स और इसको साथ में ले लो, तो क्या होगा, आई राइट हियर एक्स अपॉन 1301 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो ये 97, तो 9 डिवाइड बाय 7 करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो व्हाट इज योर आंसर गोइंग टू बी हियर, 1 प्लस 4 अपॉन 100 रेस टू 2 यहां पर आया, क्लियर दिस एवरीवन। नाउ इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू, अगर आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको x का वैल्यू मिलेगा विच इज 676, जो किसके पास गया है, भोर के पास, थोर के पास गया हुआ है, तो लौकी के पास कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 1301 में से 676 को माइनस करो विच इज गोइंग टू बी द 625, तो ऑब्वियसली शेयर ऑफ थोर means quantity 1 which is greater than quantity 2, write down this, और इसे कैसे solve करना है वो आपको option में solution में दिया हुआ है, so we'll not waste our time, और ये मैंने जब हमने lectures लिए थे तब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये, क्लियर दिस, चलो ये ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये एरिया पे क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 14 मीटर 13 मीटर 13 मीटर, द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ द रूम रिक्वायर पेंटिंग, फाइंड एरिया विच रिक्वायर्स पेंटिंग, तो कौन से एरिया को पेंटिंग रिक्वायर है उस एरिया आपको निकालना है, एंड क्वांटिटी 2 क्या दिया है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप आर 14 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, ओके ट्राई करो स्टूडेंट्स ये, स्टूडेंट्स यहां पर क्या करोगे, देखो
सो यहां पर आपको पता है, सी द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम एंड द वॉल्स एंड सीलिंग रिक्वायर पेंटिंग. सीलिंग मतलब ऊपर वाला और चार वॉल्स. तो पहले आप लोग क्या करोगे, एरिया ऑफ द सीलिंग का फॉर्मूला क्या, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ द सीलिंग विच इज इक्वल टू 14 इंटू 13 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज गोइंग टू बी 182 मीटर स्क्वायर. ये फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ. रिमेंबर दिस, एरिया ऑफ द सीलिंग जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है एंड एरिया ऑफ द फोर वॉल्स. व्हाट इज फॉर्मूला, टू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. रिमेंबर दिस मीन्स लेंथ ऑफ लाइक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट. So which is going to be 2, what is length, 14 plus 13 into what is height, 13. So this would be nothing but 702 meter per square. So total area kitna required hai, paint karne ke liye total area, jo main nikalna hai, 702 plus 182. Clear everyone this? And that is going to be 884 meter per square. Itna main paint karna hai. What is next? The radius and height of the cylindrical pipe 14 or 10.5 दिया है और हमें निकालना है find the curved surface area of the pipe. तो यहाँ पर आपको formula पता होना चाहिए. Curved surface area आपको निकालना है. What is the curved surface area formula? 2 pi RH. So what is 2 into what is pi? 22 by 7. What is radius we have? 14. And what is height we have? 10.5. So 7 to the 14, so your answer is going to be here 924 centimeter square jo bhi hai. So what is ye 702 hai aur ye 794 hai. So answer is what, quantity 2 which is greater than quantity 1. Write down this. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये अगर आपके चैप्टर्स अगर क्लियर हो गए रहेंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हो. बहुत सिंपल टॉपिक है बट ओनली थिंग इज दैट आपको थ्योरी के टॉपिक्स थोड़ा डिटेल में पढ़ना. और ये आप कब करोगे, जब ये मेंस में आपको आएगा तो आपको पहले प्री क्लियर करना जरूरी है. Yes. अब यहां पर देखो, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5वां ट्राई करो इफ यू कैन. देखो यहां पर पहले क्वांटिटी 2 इजीली निकाल सकते हो. व्हाट इज क्वांटिटी 2, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन आफ्टर 3 इयर्स इफ अ पर्सन इन्वेस्ट 28,750 एट एसआई. ओके, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज प्रिंसिपल, 28,750 आर, व्हाट इज आर, 20%, व्हाट इज टाइम, 3 इयर्स, डिवाइड बाय व्हाट, 100. 0 0 कैंसिल हो गया. 10 to the 20, बट तो इंटरेस्ट कितना होगा, 287 into 6, which is going to be 17,250. ये आपका इंटरेस्ट यहां से मिल गया. देखो बहुत फास्ट हो गया. अब आपको निकालना है 52,000 पे कितने साल के लिए स्टूडेंट, 3 इयर्स के लिए एट 10%. तो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर मैंने आपको पढ़ाया था राइट,
तो मुझे बताइए 52,000 का 10% कितना होगा? 5,200 पहले साल के लिए, फिर 5,200 यहां पर आ जाएगा, फिर उसका 10% कितना होगा? 5,200 का 10% 520, वो इसमें ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 5,720. अब ये यहां पर आ गया 5,720, अब उसका 10% कितना होगा स्टूडेंट्स? 572 होप सो. तो ये 29 इसका ऐड करो कितना हो रहा है देखो 5,200 कितनी कौन तो नौशेदा बोलते है फाइव सेवन टू जीरो एंड 6,292 राइट. सो ये 2 हो गया 17,212 राइट. यस तो ये 17,212 आया है और ये 17,250 तो ऑब्वियसली क्वांटिटी 2 विच इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1. यस राइट डाउन दिस. ओके ट्राई दिस 7 वाला विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस. हम लोग अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं. जय मोहन परचेज 5 कैमल्स एंड 10 हॉर्सेस फॉर ₹10,000 फ्रॉम पुष्कर. ही सोल्ड द हॉर्सेस एट 10% लॉस एंड द कैमल्स एट 15% प्रॉफिट. देन ही गेट्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹375. तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 12 कैमल्स एंड कॉस्ट ऑफ 31 हॉर्सेस. जय मोहन परचेज 5 कैमल्स एंड 10 हॉर्सेस फॉर ₹10,000. ही सोल्ड द हॉर्सेस एट 10% लॉस. कैसे करोगे? लेट नाउ व्हाट विल डू हियर. किसी एक को पकड़ लीजिए. सपोज मैंने अगर 5 कैमल्स लिया तो कॉस्ट ऑफ 1 कैमल वुड बी 1 कैमल कॉस्ट पकड़ो ₹1. तो ऐसे कितने कैमल लिए उसने? 5. तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 5x. ये आपको क्लियर हो गया. ओके ही सोल्ड द हॉर्सेस एंड कैमल्स एट 15% प्रॉफिट. कैमल जा रहा है 15% प्रॉफिट पे. तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा? टोटल सेलिंग प्राइस 5x इंटू 115/100. 15% प्रॉफिट मतलब 115/100 होगा प्लस 10,000 दिया है ना. तो 10,000 में से आपको 5x का वैल्यू माइनस करना पड़ेगा कैमल का. और वो कैमल कितने पे जा रहा है? 10% लॉस. मतलब कितना होगा? 90/100 बस. ये दे तो ये हो गया टोटल सेलिंग प्राइस दोनों का हो गया कैमल का एंड हॉर्स का. Clear everyone? So which is going to be a 10,375. Clear na? So he gets an overall profit kitna mil raha? 375. So ye 10,375 kahan se aaya students? Just a moment. I'll just write here. यहां पर लिख देता हूं. इज इक्वल टू 10,375
375, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी था और ये टोटल तो 3, तो टोटल मिला के हो गया 10,375. सो इफ यू सॉल्व दिस वेयर यू विल गेट वाली वैल्यू ऑफ एक्स विच इज गोइंग टू बी 1100. अगर आपको वैल्यू ऑफ एक्स मिला तो आपको कैमल का वैल्यू मिलेगा क्योंकि हमने कैमल को एक्स पकड़ा हुआ है. तो कैमल कॉस्ट कितना होगा? 12 कैमल कॉस्ट, क्योंकि 12 का निकालना है ना. 12 इंटू 1100 विच इज गोइंग टू बी 132. अब हमें निकालना है, पहले निकालो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन हॉर्स. वन हॉर्स कितना होगा? ये दो का इक्वेशन, 10,000 माइनस 5x, तो 5 इंटू 1100 ना, x का वैल्यू कितना है? 1100, तो कितना होगा? 5,500. ओके, दैट इज गोइंग टू बी 4,500. बट कितने हॉर्स है? 10 हॉर्स, तो डिवाइड बाय 10 करो तो मुझे एक का मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी 450. तो 450 इंटू कितना करोगे? 31. सो 31 हॉर्सेस कॉस्ट, 31 इंटू 450, विच इज गोइंग टू बी स्टूडेंट 13950. तो ये आया है 13200, ये आया 13950. ऑब्वियसली quantity 2 which is greater than quantity 1. Write down this. So student, these are the questions. ये topic है जो आप लोगों को exam में पूछा जाता है, mains में. But उसके लिए आपके theory वाले topics काफी अच्छे clear होने चाहिए. और ये topic सारे time consuming होते हैं और इसीलिए mains का जो result होता है maths का वो बहुत low लगता है. Because यहाँ पर आप tricks techniques apply नहीं कर पाओगे. यहाँ पर वही student जीतता है जिसका बेसिक फाउंडेशन मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. क्लियर एवरीवन स्टूडेंट? ओके तो आई वुड सजेस्ट कि मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा. इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग अपने लेवल पे इसे सॉल्व कीजिए और ये सारे शायद विद सॉल्यूशन से. देखो यहाँ पर सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है. अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आता है तो यू कैन कनेक्ट मी और यू कैन कनेक्ट आर्या मैडम, जैसे अभी तक हमने कनेक्ट किया है. और कल आपका जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले विच इज डेटा सफिशिएंसी, विच इज सेम पार्ट है, सेम दो चीजें दी जाएगी आपको. बट डेटा सफिशिएंसी में होता क्या है स्टूडेंट ना, कि आपको यहाँ पर खाली वो देखना है कि आपको दिए हुए डेटा सफिशिएंसी का मतलब क्या. डेटा इज वॉट? इंफॉर्मेशन. सफिशियंट मतलब वॉट? वेदर गिवन इन्फॉर्मेशन इज सफिशियंट और नॉट, वो आपको खाली चेक करना है. नॉट मैंडेटरी कि आपको आंसर सॉल्व ही करना है. मतलब अगर आप उसे चेक करके भी देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको दिए हुए डेटा वन में से, दिए हुए इंफॉर्मेशन में से अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आपका फर्स्ट वुड बी वैलिड. आपको आंसर फाइंड नहीं करना है, खाली जस्ट चेक करना है. यहाँ पर कैसे आपको फिगर फाइंड करके कंपेयर करना है, तो यहाँ में पूरा सॉल्व करना है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं. कल हम लोग फिर मिलेंगे 8:45 विद रिमेनिंग टॉपिक विच इज योर फाइनल टॉपिक, दैट इज डेटा सफिशिएंसी. वो आपको प्री में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है फॉर 3 और 5 मार्क्स के लिए, एंड विच इज अगेन बेस्ड ऑन थ्योरी टॉपिक्स. इसीलिए हम आपको पूरा सिलेबस क्यों पढ़ाते हैं, बिकॉज थ्योरी टॉपिक्स आपको एग्जाम में आता ही आता है. तो सेशन आज का यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. कल मिलेंगे फिर इसी समय 8:45 to 9:30.